मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयसअलूनक अन ज़िल क़र्नैन क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। मैंने बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दलाइल में है ये वाक़िया। यहूदियों ने आपसे पूछा कि ज़ुल्क़र्नैन के बारे में बताइए। ज़ुल्क़र्नैन वो थे जिनकी तारीख मस्ख हो चुकी थी। एक बादशाह थे जिन्होंने पूरी दुनिया को फ़तह किया और अल्लाह के दीन को दुनिया में गालिब किया। पैगंबर थे या वलीउल्लाह थे। राजा यही है कि पैगंबर नहीं थे, लेकिन अगर पैगंबर थे तो हमारा ईमान है, हम तमाम पैगंबरों पर ईमान लाते हैं। बाज़ ऐसे हैं जिनके बारे में कुरान ने बता दिया कि ये अल्लाह के पैगंबर थे, बाज़ ऐसे हैं जिनके बारे में कुरान ने मुबहम रखा। तो इनकी वजह तस्मिया मैंने बता दी थी कि इनको कर्न कहते हैं, सींग को, किनारे को। तो ज़मीन के दोनों किनारों को फतह किया इन्होंने। तो इनकी तारीख मस्ख हो चुकी थी, लेकिन एक अल्लाह वाले गुज़रे थे, नेक बादशाह गुज़रे थे। उस वक्त की आबाद दुनिया में इन्होंने अल्लाह के दीन को बुलंद किया, तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके बारे में आके पूछा गया कि आप उनके बारे में क्या जानते हैं, आप बताइए। अगर आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो वही नाजिल हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ये वाक़या अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये आपसे ज़ुल्क़र्नैन के बारे में कहते हैं। कुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, आप कह दीजिए अन करीब मैं तुम्हें इनके बारे में बताऊँगा, तज़किरा करूँगा इनका। इनकी तारीख क्या है इस बारे में देखें, हमारे पास कुरान और सुन्नत में कोई वाज़े बात नहीं मिलती। तारीख़ी रिवायात हैं जिनमें बड़ा टकराव है, और मैं वैसे भी कोशिश करता हूँ कि तफसीर के लेक्चर में कुरान को इतना फोकस करूँ कि बस कुरान आपकी समझ में आए। बाकी आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं और किताबें भी पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन इतनी बात कुरान ही से पता चलती है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब का वाक़या है, कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। और ये कुरान में इशारा ऐसे मिलता है क्योंकि ज़ुल्क़र्नैन मशरिक़ की तरफ भी गए, ज़मीन का बिल्कुल मशरिकी हिस्सा जहाँ आबादी ख़त्म हो रही है, या यूँ कह सकते हैं कि आबादी जहाँ से शुरू हो रही है, और बिल्कुल ज़मीन के मगरबी हिस्से में भी गए जहाँ आबादी ख़त्म हो रही है, और शुमाल के हिस्से में भी गए जहाँ शुमाल में एंड जो था आबादी का। तो इससे पता और जुनूब जो था ना उसका तस्करा नहीं है, यहाँ साउथ का तस्करा नहीं है। वजह उसकी ये है कि जुनूब में दुनिया में बहुत बाद में आबादी हुई है। अभी भी आप देख लें जुनूबी ममालिक जो आते हैं, ऑस्ट्रेलिया है या जो इक्वेटर के इस तरफ जो भी इलाके हैं लेफ़्ट साइड पे, यानी अगर आप मशरिक से मगरिब की तरफ रुख करके खड़े होते हैं तो इक्वेटर के जो लेफ़्ट साइड पे इलाके हैं वो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, तो अफ्रीका में भी आबादी भी बहुत अब भी बहुत कम है। तो ऐसा मालूम होता है कि उस वक्त साउथ में आबादी थी नहीं, तभी ज़ुल्क़र्नैन मशरिक की तरफ गए हैं और वेस्ट के इंतहा में गए और साउथ की तरफ गए हैं। तो ये तीन जगहें जहाँ दुनिया आबाद थी, और पहले आबादी दुनिया में यहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया तो मेरा ख्याल है दरियाफ भी बहुत बाद में हुआ है। तो इन मुल्कों में ज़ुल्क़र्नैन नहीं गए, लेकिन ये तीन इन जगहों पे ज़ुल्क़र्नैन नहीं गए, यानी तीन जगहों पे बहुत ज़्यादा आबादी थी उस वक्त। तो ये आबादी का होना इसकी अलामत है कि ये कोई बहुत ज़्यादा पुराना तारीखी वाक़िया नहीं है कि जिस वक्त दुनिया के मखसूस इलाकों में आबादी थी। हमें कुरान से पता चलता है कि दुनिया में जो सबसे पहले आबादी जहाँ ज़्यादा फैली है, ये वो इलाके हैं जो शिमाल की तरफ हैं ज़मीन के, यानी शिमाल की तरफ, जैसे इक्वेटर के राइट साइड पे। अगर आप मशरिक से मगरिब की तरफ रुख करके खड़े होते हैं तो इक्वेटर के जो राइट साइड है और मगरिबी, ये दो, यानी शिमाल में, नॉर्थ में और वेस्ट में, इस तरफ दुनिया में अव्वलीन आबादी इस तरफ है। तभी ज़्यादातर पैगंबरों के वाक़यात भी यहीं से मुतालिक हैं, और यहाँ जो कदीम इंसानी तहजीब और जो कदीम आबादी के आसार भी यहीं से ज़्यादा मिलते हैं। तो इतनी बात बहरहाल साबित हो गई कि ये इलाके उस वक्त आबाद थे, तो ज़ाहिर है ये कोई बहुत पुराना वाक़या नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के करीब का वाक़या, या कम से कम यहूदियों यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद का वाक़या है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी पर यहूदियों की हुकूमत थी, तो उसी दौर के कोई ये बादशाह गुजरे हैं कि इन्होंने भी बहुत बड़ा इलाका फतह किया। वयसअलूनका अन ज़िल्क़र्नैन, या आपसे ज़ुल्क़र्नैन के बारे में पूछते हैं, आप इनको बता दीजिए कि अनकरीब मैं इसका तस्करा तुमसे करूँगा। इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्ज़, हमने उनको ज़मीन में ठिकाना दिया था। वह आतैनाहू मिन कुल्ली शैइन सबबा, और हर तरह के वसाइल हमने ज़ुल्क़र्नैन को दिए थे। फ़अतबअ सबबन, आपने रास्तों को इख्तियार किया या वसाइल को इख्तियार किया, उन वसाइल को इख्तियार करके
जिहाद के अल्लाह के रास्ते में, हत्ता इदा बलगा मगरिब शम्सी, जब सूरज गुरूब होने की जगह पहुँचे, वजदहा तगरूबू फ़ी आइनिन हमियतिन, आपने उसको स्याह पानी में गुरूब होते हुए पाया। मगरिब शम्स का मतलब ज़ाहिर है जहाँ सूरज गुरूब होता है वहाँ तो दुनिया में कोई जा ही नहीं सकता, ज़मीन गोल है, वो तो घूमता ही रहेगा, हर जगह ही सूरज गुरूब हो रहा होता है। लेकिन आज भी दुनिया में मशरिकी ममालिक और मगरिबी ममालिक कहलाते हैं, जैसे कुरान में आता है ना, وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا جو ضعیف سمجھے جاتے تھے، زمین کے مشرقوں کا بھی اور زمین کے مغربوں کا بھی۔ تو مشرقوں اور مغربوں سے کیا مراد ہے؟ وہ آبادی جو ایس کی طرف ہے اور وہ آبادی جو ویس کی طرف ہے۔ تو یہ مطلب ہے مشرق اور مغرب کا۔ تو قرآن کے مشرق سے یہی مراد ہوتا ہے کہ وہ آبادی جو ایسٹ کی طرف، آج جس کو ایسٹ کہتے ہیں، اور وہ آبادی جو ویسٹ کی طرف۔ تو سورج کے غروب ہونے کی جگہ کا مطلب کیا؟ مطلب وہ آباد علاقہ، آخری علاقہ جہاں سورج غروب ہو جاتا ہے، یعنی جب ہم زمین کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ویسٹ کا علاقہ جہاں اس کے بعد پھر آبادی نہیں ہے، تو یہ مغرب شمس سے مراد ہے۔ وجدہا تغروب فی عین حمیہ، یعنی آپ تو علاقے فتح کرتے چلے جا رہے تھے تو جہاں آبادی بالکل ختم ہو گئی تو آپ نے سورج کو پایا، محسوس کیا، کہ وہ عین چشمے کو بھی کہتے ہیں اور مطلق پانی کو بھی کہتے ہیں، سمندر کو بھی کہتے ہیں۔ اصل اطلاق تو اس کا چشمے پر ہوتا ہے، لیکن اس کا عربی لغت میں ہی ہر طرح کے پانی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد ہے سمندر، یعنی سمندر میں ڈوبتا ہوا پایا، مطلب یہ کہ آگے آبادی ختم ہو رہی تھی اور آپ مزید آگے جا نہیں سکے، تو آپ نے اس کو حمیہ، حمہ سے نکلا ہے، حمہ عربی میں کوئلے کو کہتے ہیں، گرم کوئلہ جو ہوتا ہے سیاہ، تو حمیہ سیاہی والا، یعنی سیاہی والا پانی۔ تو اس سیاہی والے پانی سے بلیک کلر بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ کیچڑ پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ کیچڑ مٹی کے ساتھ جب ملا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ بھی پانی سیاہ نظر آتا ہے۔ اور اس سے مراد یہ بھی، سیاہ کا اطلاق عربی میں جو بھی گہرا کلر ہوگا نا اس کو بھی عربی میں سودا کہا جاتا ہے، اسود کہا جاتا ہے، تو اس پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلے گا کہ جب وہ پانی میں سورج ڈوب رہا تھا تو وہ پانی کا رنگ گہرا تھا۔ اب اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں کہ کیا مراد ہے اس سے، واللہ عالم۔ یہ تو جب کوئی مغربی علاقوں میں جائے، وہاں کھڑے ہو کر ریسرچ کرے اور وہاں ڈوبتا ہوا دیکھے تو پتہ چلے گا۔ بہرحال انسان کو ایسا ہی لگتا ہے جب وہ سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا ہے تو وہ پانی سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، یہاں بعض لوگوں نے قرآن پہ اعتراض کیا ہے کہ سورج تو پانی میں نہیں ڈوبتا، سورج تو گولی گھومتا رہتا ہے۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سورج پانی میں ڈوب رہا تھا، بلکہ قرآن نے کہا وجدہا، ذوالقرنین نے پایا ایسا، ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں خود قرآن کی صداقت کی دلیل ہے کہ اس وقت دنیا یہ سمجھتی تھی کہ سورج کوئی خاص جگہ ہے جہاں جا کے غائب ہو جاتا ہے اور پھر مشرق سے طلوع ہوتا ہے، کسی جگہ سے نکل رہا ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا، جب اسلام دنیا میں آیا تو اتنی زیادہ، خاص طور پر عرب کے بدوؤں کے پاس، عربوں کے پاس اتنی نالج نہیں تھی کہ زمین گول ہے اور سورج اسی طرح چکر لگائے چلا جا رہا ہے۔ عربوں کے پاس کم از کم اتنی نالج نہیں تھی، ہو سکتا ہے یونان میں اور ادھر ادھر علاقوں میں وہاں کے سائنسدان یہ بات جان گئے ہوں، لیکن عربوں کے پاس نالج نہیں تھی۔ یہ آیت قرآن مجید کی معجزے کی اور بلاغت کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب ذوالقرنین مغربی علاقے کی طرف پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، تو تغروب فی عین حمیت، سورج غروب ہونے لگا پانی کے اندر۔ وجدہ کا لفظ اگر قرآن نہ لے کر آتا نا تو قرآن کی آیت سائنسی اصولوں کے بالکل خلاف ہو جاتی۔ عرب تو مان لیتے کہ سورج غروب ہوتا ہے سمندر کے اندر، لیکن یہ سائنس اس کو غلط ثابت کر دیتی آج کے دور میں۔ تو قرآن نے اس وقت بھی جو ایکسپلین کیا ہے سائنسی اصولوں کو، ان میں یہ رعایت کی ہے کہ کل 1400 سال کے بعد جا کے قرآن کی کسی آیت پر کوئی سائنٹسٹ بھی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اس لیے قرآن نے الفاظ یہ کہے وجدہا، ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ آپ آج بھی ساحل سمندر پہ کھڑے ہوتے ہیں مغرب کی طرف رخ کر کے، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سورج پانی کے اندر ڈوب رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی معاذ اللہ نہ ہوتے تو آپ یہ یوں آیت پڑھ دیتے کہ سورج پانی میں ڈوب رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا اور اللہ کو
के इल्म में ये बात थी कि सूरज पानी में डूबता नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला ने पहले ही फरमा दिया कि ज़ुल्करनैन को ऐसा लगा कि सूरज पानी में गुरूब हो रहा है। वजदहा वजदा इंदहा कौमा, तो वहाँ आपने मगरिब शम्स में यानी ज़मीन के इंतहाई मगरिब की जानिब एक कौम को पाया, लोग आबाद थे वहाँ पर। कुलना यादल करनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िबा, जब ज़ुल्करनैन ने वो इलाका फ़तह किया है तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने ज़ुल्करनैन को वही की। अब अगर ज़ुल्करनैन अल्लाह के वली थे तो ये आपके दिल में इल्हाम हुआ, और अगर अल्लाह के पैगंबर थे तो प्रॉपर वही आई आपके ऊपर। वो क्या वही थी? हमने ज़ुल्करनैन से कहा, या बाज़ उलमा ने ये भी कहा है कि उस वक्त के पैगंबर को हुक्म ही यही था कि अपने उम्मतियों को बता दें कि इस तरह से जिहाद होगा कि आप जब किसी इलाके को पकड़ेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि चाहे उनको कत्ल कर दें चाहे उनको छोड़ दें। तो कुलना या ज़ुल्करनैन का मतलब कुलना बिदरियाती नबी ही, हमने नबी के ज़रिए ज़ुल्करनैन को कहा। उस वक्त के जो भी नबी थे उनकी तालीमात यही थी, जैसे आज हम किसी के से कहते हैं ना कि भाई अल्लाह तुमसे कह रहा है कि 5 टाइम नमाज़ें पढ़ो, तो वो कह सकता है अल्लाह मुझसे तो नहीं कह रहा, तो हम कहेंगे अल्लाह पैगंबर के ज़रिए आपसे कह रहा है, पैगंबर की अहादीस आपके पास मौजूद हैं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन को या तो अल्लाह ने डायरेक्ट वही की या इल्हाम किया, या वक्त के पैगंबर की तालीमात हज़रत ज़ुल्करनैन के पास पहुंची थी। वो तालीमात यही थी कि जो कौम आपने पकड़ी है, जो गिरफ़्तार हुए हैं जंग के ज़रिए, जो इलाका फतह हुआ है, उनके साथ इन दो में से एक मामला आप करें। वो मामला क्या है? इम्मा अन तुअज़्ज़िबा, ऐ ज़ुल्करनैन या तो तू इनको अज़ाब दे, व इम्मा अन तत्तखिज़ फ़ीहिम हुस्ना, या आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप इन में के साथ अच्छा सलूक करें, इनको छोड़ दें आप। तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, जो चाहें आप करें। قال اما من ظلم فسوف نعذبه, हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया जो इनमें ज़ालिम होगा हम उसको सज़ा देंगे। ثم يرد الى ربه, फिर वो लौटाया जाएगा अपने रब की तरफ आखिरत में। فيعذبه عذابا نكرا, तो अल्लाह ताला भी उसको बहुत सख्त अज़ाब देगा आखिरत के दिन। वामा मन आमना वामिल सालिहा, और इनमें जो ईमान ले आया और नेक आमाल किए, फलहू जज़ाअन अल हुस्ना, उसके लिए अच्छा बदला है। वसनकूलु लहू मिन अम्रिना युसरा, और हम अन करीब उसके लिए अच्छा मामला करेंगे, उसको और नवाजेंगे हम। देखें, दुनिया में जिहाद जब भी होता है ना, चाहे यहूदियों ने किया हो, चाहे ईसाइयों ने किया हो, चाहे मुसलमानों ने किया हो, तो जिहाद की दो किस्में हैं, एक दिफाई जिहाद कहलाता है और एक इकदामी जिहाद कहलाता है। दिफाई जिहाद का मतलब ये होता है कि किसी कौम ने आप पे हमला किया तो ज़ाहिर है आपने दिफा करना है, जैसे तैसे मुमकिन हो अपना डिफेंस करना है। इस जिहाद को सारी दुनिया जायज़ समझती है, आपका ज़ाती हक समझती है। एक जिहाद वो होता है जो इकदाम करना, इकदाम का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने पैगंबरों को दुनिया में भेजा, नूह अलैहिस्सलाम को, सालेह अलैहिस्सलाम को, उन पैगंबरों को हुक्म ये था कि आपने सिर्फ दावत देनी है, आपने तलवार नहीं उठानी, इस दावत के पीछे तलवार नहीं है। तो जो ईमान ले आए ले आए, नहीं लेकर आए अल्लाह उसको खुद निमटेगा क़यामत के दिन। जैसे नूह अलैहिस्सलाम 950 साल दावत देते रहे, 40-50 लोग ईमान लेकर आए, बाकियों को अल्लाह ने तबाह कर दिया। सालेह अलैहिस्सलाम दावत देते रहे, शुएब अलैहिस्सलाम दावत देते रहे, और हूद अलैहिस्सलाम दावत देते रहे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दावत देते रहे, लूत अलैहिस्सलाम दावत देते रहे, इन तमाम पैगंबरों की दावत के पीछे तलवार नहीं थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी दावत देते रहे, उसके पीछे भी तलवार नहीं थी। लेकिन जब फिरौन तबाह बर्बाद हो गया, गर्क हो गया, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक रियासत आई छोटी सी, फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब आप तलवार लेके जिहाद करें। तो हम पिछली उम्मतों में देखते हैं जिहाद का हुक्म हमें नहीं मिलता, लेकिन हम मूसा अलैहिस्सलातु इस कुरान में अगर हम देखते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से हमें लगता है कि बाकायदा तलवार का तस्करा मिलता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि अपनी कौम को कहें कि कौम अमालिका पे आप जाके लड़ाई करें। फिर मशहूर वाक़या है कि यहूदियों ने कहा कि हमसे नहीं लड़ा जाता, जिस पे उनको सज़ा मिली है और वादी अती में 40 साल वो धक्के खाते रहे। तो वहाँ कौम अमालिका ने कोई हमला नहीं किया था मूसा अलैहिस्सलाम पर, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम को ख़ुद हुक्म था कि आपने इनके ऊपर हमला करना है। उसके बाद जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीख है, दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीख है, यहाँ स्टेट थी और बाकायदा यहाँ से हमले होते रहे हैं दूसरी रियासतों पर, जिसकी वजह से यहूदियों की एक बहुत बड़ी रियासत दुनिया में कायम हो गई। तो ये कहलाता है इकदामी जिहाद। इसका फ़लसफ़ा ये है कि ये ज़मीन अल्लाह की है, तो अल्लाह ताला सिर्फ़
انسانوں سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ جو ایمان لانا چاہے لے آئے، جو نہ لانا چاہے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا، لیکن زمین پر جو نظام چلے گا وہ اللہ کا چلے گا نظام، تو اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم ہے۔ تو یہ یہود میں بھی رائے، عیسائیوں میں بھی رائے، اب پچھلی امتوں میں کیوں نہیں تھا؟ وجہ اس کی بار بار میں بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جوڑا ہے اسباب کے ساتھ۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، پچھلی امتوں میں جو اقدامی جہاد نہیں رہا اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل اسلام بہت کمزور تھے، وہ لڑ نہیں سکتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں 40-50 لوگ مسلمان ہوئے ہیں، وہ ہزاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لہذا ان کو حکم دیا گیا کہ بس آپ نے دعوت دینی ہے، دعوت دینی ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال دن میں بھی رات میں بھی پکارتے رہے۔ صالح علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، ہود علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ، لوط علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو دو چار کے علاوہ، آپ کی دو ازواج تھیں اور آپ کے بھانجے، ان کے علاوہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کوئی اور شخص تیسرا بھی ایمان لے کر آیا، تو آپ نے ہی ہجرت کر کے علاقہ ہی چھوڑ دیا۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایسا ہوا کہ جب مصر میں گئے ہیں تو بہت تھوڑی تعداد میں بنی اسرائیل تھے، وہ مصریوں سے لڑ نہیں سکتے تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بنی اسرائیل کو نجات ملی ہے۔ اچھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم نہیں تھا کہ فرعون کے خلاف تلوار اٹھائیں، ظاہر ہے گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک قوم جو غلام بنی ہوئی ہے اور اس کے پاس اپنے ظلم سے بچنے کے لیے وسائل نہیں ہیں، وہ ایک مضبوط ریاست کے خلاف خروج کیسے کر سکتی ہے، لہذا وہاں بھی اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب جو بنی اسرائیل بچے نا، ظلم سے آزاد ہوئے، اب ان کے پاس ایک چھوٹی سی اسٹیٹ آ گئی، اب ان کو حکم ہوا کہ اب تم نے زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے۔ تو یہاں بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ اسلام کس بات کا حکم دے رہا ہے کہ، یا قرآن کس بات کا حکم دے رہا ہے پیغمبروں کو کہ جی تلوار اٹھائیں اور زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کریں۔ تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ زمین پر کوئی بھی نظام جب نافذ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے تلوار ہی ہوتی ہے، چاہے جمہوری نظام ہو، چاہے وہ آمرانہ نظام ہو، جتنے بھی دنیا میں اس وقت بھی سسٹم چل رہے ہیں، ان وہ سب تلوار کے زور سے ہی نافذ کیے گئے، تلوار کا مطلب زبردستی نافذ کیے گئے ہیں، اس میں ہر ایک سے اس کی رائے نہیں لی جاتی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس جمہوری نظام کو ہی آپ دیکھ لیں، اکثریت کے ساتھ اگر کوئی جیتتا ہے تو جو اس کے حزب اختلاف میں لوگ ہوتے ہیں وہ جیتنے والے کو وزیر اعظم مانے یا نہ مانے، سسٹم کہتا ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا، تو یہ بھی تو تلوار ہی ہے نا۔ تو تلوار کے پیچھے دو چیزیں ہونی چاہیے، اگر وہ تلوار غلط نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے تو وہ غلط ہوگی، اگر وہ صحیح بات کے لیے چلائی جا رہی ہے تو وہ تلوار ٹھیک ہوگی۔ تو بحث یہ نہیں ہے کہ تلوار کی زور سے اللہ تعالی نے اپنے ادیان کو، چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، اسلام ہو، تلوار کی طاقت سے دنیا میں غالب کیا ہے یا لوگوں کے مشورے سے غالب کیا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ غالب جس چیز کا کو کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی۔ وہ دیکھیں، اگر میں تلوار اٹھاتا ہوں اور دنیا سے چوروں کا خاتمہ کر دیتا ہوں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی آپ نے تلوار کے ذریعے ایک دنیا سے چوری کو ختم کیا ہے، بلکہ اپریشیٹ کیا جائے گا کہ آپ نے تلوار کے ذریعے ایک اچھا کام کیا ہے، قاتلوں کو اور چوروں کو اور ڈاکوؤں کا خاتمہ کیا ہے آپ نے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، اسلام دنیا میں آیا، اس سے پہلے یہودیت دنیا میں آئی یا عیسائیت دنیا میں آئی، تو جن پیغمبروں نے تلواریں اٹھائی ہیں نا، ان کا موقف بہت واضح تھا کہ زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے تلوار چلے گی۔ ایک بات، نمبر دو، کہ ہم جس نظام کو اللہ کا نظام کہہ رہے ہیں، اس نظام کے اللہ کے نظام ہونے پر ہمارے پاس مضبوط دلائل ہیں۔ یعنی ایک آدمی تلوار اٹھاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، لیکن اس کے پاس دلیل ہی نہیں ہے کہ میرا جو نظام ہے وہ اللہ کا نظام ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ دیکھیں یہاں تین اسٹیپ ہیں، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں، تین اسٹیپ ہیں اس کو، یعنی ہمیشہ کے لیے نا یہ اقدامی جہاد کا فلسفہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ جب آپ تلوار اٹھاتے ہیں، نمبر ایک، آپ جس سسٹم کو دنیا میں غالب کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تلوار کی طاقت سے، پہلی بات، وہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے۔ ایک بات، غلط چیز کو دنیا میں آپ تلوار کے ذریعے نافذ نہیں کر سکتے۔ نمبر دو، اس کے ٹھیک ہونے پر آپ کے پاس مضبوط دلائل ہوں، دو اور دو چار کی طرح آپ کے پاس دلائل ہوں کہ یہ جو میں چیز دنیا میں نافذ کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی کرپشن کے خلاف جہاد کرتا ہے
सारी दुनिया मानती है कि करप्शन गलत है, तो यानी ये इतना वाजे आपका दावा होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपके पास असबाब और वसाइल भी हों कि असबाब और वसाइल की दुनिया में आप फतह भी हासिल कर सकते हो। तो तीन शर्तें किसी तहरीक में, किसी निज़ाम में पाई जाएंगी, तो शरण भी और अकलन भी उनको इजाज़त होगी कि वो तलवार उठाएं और अपने निज़ाम को दुनिया पे नाफिस कर दें। और ये तीन शर्तों में से एक शर्त भी अगर नहीं पाई जाती तो फिर किसी तहरीक को या किसी भी शख्स को इजाज़त नहीं है। मिसाल के तौर पर अब मैं ऐसी मिसालें देता हूँ जिससे ये जो मैंने तीन शर्तें बयान की हैं ना, ये शर्तें अच्छी तरह समझ में आएंगी। एक आदमी तलवार उठाता है, एक तहरीक चलाता है, जैसे हिटलर ने तलवार उठाई थी, वो भी इकदामी लड़ाई कर रहा था। उसने तलवार उठाई कि जी मैं पूरी दुनिया में का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता हूँ। लेकिन तलवार उसने उठाई इस बेस पे, वो चाहता था कि जर्मन को पूरी दुनिया का हाकिम बना दे। उससे जब पूछा गया कि भाई आप जर्मन कौम को पूरी दुनिया का हाकिम क्यों बनाना चाहते हैं, उसने दलील दी कि जर्मन कौम दुनिया का बेहतरीन दिमाग रखती है और दुनिया का लीडर बनने की सबसे बड़ी जर्मन कौम में सलाहियत है। ये दलील भी गलत थी, और जिस चीज़ को दुनिया में, जिस हदफ को लेके वो दुनिया में उसने तलवार चलाई, वो हदफ भी गलत था। एक शर्त हो सकता है पाई जाती हो, उसने कहा होगा कि मेरे पास इतने वसाइल हैं, इतनी ताकत है, इतना असलहा है, ऐसी मुनज़्ज़म फ़ौज है कि मैं दुनिया पर गलबा कर पा सकता हूँ। तो इसमें दो राय हो सकती हैं कि हिटलर के पास इतनी मजबूत फ़ौज थी या नहीं थी। हम मान लेते हैं कि जी उसके पास इतनी मजबूत आर्मी थी, इतने वसाइल थे कि वो दुनिया में गलबा हासिल कर सकता था, लेकिन पिछली दो शर्तें यहाँ मफकूद हो रही हैं कि आप जिस चीज़ को दुनिया में नाफिज़ कर रहे हो, इसकी आपके पास बरहक होने की क्या दलील। आप ये तो कौम की जंग है, आप एक कौम को दुनिया का इमाम बनाना चाहते हो। तो दुनिया में जितनी भी गैर मुस्लिमों की जंगें होती रही हैं, या तो यानी उनमें दो शर्तें लाजमी मफकूद हैं, ना उनके के पास कोई हदफ होता है सही, हदफ क्या होता है, दुनिया के वसाइल पर कब्ज़ा करना, और ना उस हदफ के सही होने की उनके पास कोई वाज़ह दलील होती है। जबकि इस्लामी जंगें या यहूदो नसारा की जो जंगें रही हैं, उन जंगों के पीछे दावा भी दुरुस्त होता है और उनके पास उस दावे के दुरुस्त होने की दलील भी बहुत वाजे होती है। तीसरी शर्त में इख्तलाफ हो सकता है कि आपके पास पावर है या नहीं। तो जितनी भी जंगें दुनिया में हुई हैं, जो मज़हब के नाम पे जंगें हुई हैं, अगर उन जंगों में मज़हब ठीक था और जो मज़हब के नाम पे जंग करने वाले लोग थे उनके पास अपने मज़हब के बरहक होने के दलाइल भी दो और दो चार की तरह बिल्कुल वाजे थे, और उनके पास इतनी ताकत भी थी कि लड़ाई के बाद फसाद बराए फसाद नहीं होगा बल्कि वो इलाकों पे कब्ज़ा कर लेंगे, तो फिर ऐसी जंग उनके लिए बिल्कुल जायज़ थी। दुनिया में कोई अक्लमंद उसको गलत नहीं कह सकता। तो ये इकदामी जिहाद है जो इस्लाम में भी रहा है, यहूदियों में भी रहा है और ईसाइयों में भी रहा है। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ, हमारे एक दोस्त इटली गए ना, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक इटली में जो एक सिटी है जो पानी पे है, उसका नाम इस वक्त मेरे जहन से निकल गया, मैं होके भी आया हूँ, चारों तरफ पानी है, तो वहाँ एक बोर्ड उन्होंने लगा के रखा हुआ है कि मुसलमान फातिहीन जब यूरोप में दाखिल हुए तो जो नाजायज़ कब्ज़ा उन्होंने किया और तलवारें चलाई तो हम भाग के इन जज़ीरों में महसूर हो गए थे। तो मेरे दोस्त ने मुझे इटली से फ़ोन किया कि ये दो मुसलमान फातिहीन के बारे में इस तरह के बोर्ड्स पर यहाँ चीज़ें लिखी हुई हैं। मैंने उनसे कहा कि इनसे आप ये कहना कि यूरोप जो ईसाइयों के हाथ में आया ना, तो वो भी फातिहीन ही आए थे, वहाँ पे यहूदियों को भगाया था उन फातिहीन ने, तो आपने जो यूरोप पे कब्ज़ा किया था वो भी मज़हब की बेस पे किया था, कि आपके पीछे ईसा अलैहिस्सलाम की दावत थी और आपका ये हदफ था कि हज़रत ईसा बरहक नबी हैं और जो नबी बरहक होता है उसी की तालीमात को दुनिया में हमने गालिब करना है। तो आपके मुकाबले में यहूदी खड़े हुए, आपने यहूदियों से इलाके छीन के उन पर कब्ज़ा किया, तो इसलिए ये एहतजाज का हक़ तो यहूदियों को होना चाहिए कि हमसे इलाके छीने गए हैं। फिर हम यहूदियों की तरफ आते हैं, तो यहूदी अगर कहेगा हम पे जुल्म हुआ, ईसाइयों ने जंगे लड़के हमसे हमारे इलाके छीने, तो हम यहूदियों से भी ये कहेंगे कि जनाब आपने भी दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की क़ियादत में जिहाद ही किया था। उस वक्त आपका दावा ये था कि दाऊद अलैहिस्सलाम का दीन सच्चा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का दीन सच्चा है, मूसा अलैहिस्सलाम का दीन सच्चा है, लिहाजा इस दीन को दुनिया में गालिब होना चाहिए, और आपके पास इसके बरहक होने के दलाइल भी थे और आपके पास ताकत भी थी और ये मज़हब भी वाकई बरहक था, लिहाजा आपका हक था कि आप दुनिया पे हुकूमत करें, तो आपने हुकूमत की। तो अब यही दावा फिर इस्लाम का भी दावा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक नबी हैं और मुसलमानों के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने के और इस्लाम के सच्चे होने के दो और दो चार की तरह वाज़ह रोशन दलाइल भी हैं और मुसलमानों के पास पावर भी थी लड़ने की,
100% पावर का होना तो ज़रूरी नहीं है, आधी पावर भी हो तो इस कुरान ने मदद का वादा किया है, तो जज्बा भी था, तो उसी जज्बे के तहत अगर मुसलमानों ने आपके इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया तो कोई नया काम नहीं हुआ है, वही काम हुआ है जो यहूदी पहले मुशरिकीन के ख़िलाफ़ करते रहे, फिर ईसाई यहूदियों के ख़िलाफ़ करते रहे, और उसके बाद मुसलमान फातिहीन फिर दोनों के ख़िलाफ़ करते रहे हैं, तो कोई अचंभे की बात नहीं है। तो ये दुनिया का रिवाज भी है और अक़ल भी इसी को दुरुस्त कहती है। और फिर हम जो मुशरिकीन हैं, जो इकदामी जिहाद के कायल नहीं हैं, जो बुत परस्त हैं, उनकी भी माजी अगर तारीखें उठा के देखें तो उनके पास भी आज जितने इलाके हैं वो भी सारे तलवार की ताकत से ही उन्होंने फतह की है। ये तो जमहूरी निज़ाम दुनिया में अब आया है, पहले तलवारें ही चलती रही हैं। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कहा जाता है ना कि ये इलाका तो राजा दाहिर का था, मोहम्मद बिन कासिम ने वहाँ से आके सिंध पे हमला करके जबरन सिंध को फतह करके इस्लाम में और इस्लामी रियासत में दाखिल किया, तो ये तो असल में तो हिंदुओं का था और राजा दाहिर का था। तो वहाँ भी ये कि राजा दाहिर कौन सा इलेक्शन के ज़रिए आया था, राजा दाहिर भी तलवार की ताकत से ही उसने उन इलाकों पर कब्ज़ा किया था। तो तलवार ही की ताकत से दुनिया में हुकूमतें हमेशा कायम हुई हैं। ये तो एक दफ़ा जब कायम हो गई तो बड़ी जंगों से रोकने के लिए फिर आपस में इनके एग्रीमेंट हुए कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ेंगे नहीं। तो ये मैंने पूरी जो लंबी चौड़ी तकरीर की है ना आपके सामने, ये इस्लाम के इकदामी जिहाद को समझाने के लिए। तो मुसलमान फातिहीन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं ये हमेशा से रहे हैं, जिनमें एक ज़ुल्करनैन है। तो अल्लाह ने हज़रत ज़ुल्करनैन का वाक़िया ये समझाने के लिए भी बयान किया है कि अल्लदीना आमनू युकातिलून फ़ी सबीलिल्लाह वल्लदीना कफरू युकातिलून फ़ी सबील ताहूत। दुनिया में हमेशा तलवार चली है, चली किस काम के लिए? जो ईमान वाले हैं उन्होंने कौम परस्ती के लिए, वसाइल पर कब्ज़ा करने के लिए तलवार नहीं चलाई, बल्कि अल्लाह के निज़ाम को दुनिया में गालिब करने के लिए चलाई। वल्लदीना कफरू युकातिलून फ़ी सबील ताहूत, और जो खुदा को नहीं मानने वाले उन्होंने भी तलवारें चलाई हैं लेकिन शैतानी निज़ाम को दुनिया में नाफिज़ करने के लिए। तो ज़ुल्करनैन का वाक़िया भी जो असल सबक हमें इससे मिलता है वो ये मिलता है कि अल्लाह के नेक बंदों ने तलवारें उठाई हैं और दुनिया में अल्लाह के निज़ाम को नाफिज़ किया है। और ये टॉपिक मैं एक बात पे ख़त्म करता हूँ, वो ये कि अगर कोई गैर मुस्लिम कहता है ना कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है, तो आप उसको ये कह दिया करें कि इस्लाम ने तलवार के ज़ोर से नमाज़ों को फैलाया, तौहीद को फैलाया, दुनिया से ज़िना को ख़त्म किया, शराब को ख़त्म किया, सूदी निज़ाम को ख़त्म किया। तुमने जो तलवार चलाई है तुमने दुनिया को ज़िना से भर दिया, तुमने ज़िना में दुनिया में शराब को आम कर दिया, तुमने माँ बाप के लिए ओल्ड हाउस बना के ओल्ड हाउस में जमा करने के कल्चर को प्रमोट किया। तो तलवार दुनिया में हर जगह चली है, मुसलमान की तलवार से रिश्तेदारी जोड़ने का निज़ाम पैदा हुआ और पाकदामनी का निज़ाम पैदा हुआ, एक खुदा की इबादत पर लोग आए, और कुफ्र की तलवार से दुनिया में बेगैरती और बेहयाई फैली है जो आज सारी दुनिया अपनी आँखों से देख रही है, खुदकुशियाँ फैली हैं। तो तलवार तो दोनों ने चलाई है लेकिन तलवार से नाफिस क्या किया गया है इसको देखना पड़ेगा। तो ये हज़रत ज़ुल्करनैन के वाक़े से भी हमें सबक मिलता है कि आपने भी तलवार, तो दुनिया में सारे फातिहीन तलवार ही चलाते रहे हैं।